पड़ोसी राज्यों में धान तस्करी पर हो रही कार्रवाई पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि बॉर्डर में जितना धान रोकना है रोकी, लेकिन किसानों को इतना बेईमान मत समझिए कि उनके धान को रोककर उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाए। मंडी में धान बेचने को प्रतिबंध लगा देते हैं तो सरकार कम से कम किसान को 50% राशि उपलब्ध करा दे। रमन सिंह ने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे कि किसानों से 50% राशि लेकर धान ले लिया जाए और जब समर्थन मूल्य में खरीदी का मौका आए तो बाकी रकम बाद में दे दी जाए। यदि बॉर्डर क्रॉस करके 200 किलोमीटर राज्य के अंदर अवैध परिवहन हो रहा है तो क्या चेक पोस्ट काम नहीं कर रहा है? मैं कभी विरोध नहीं करता कि दूसरे राज्य के धान आए, और बड़ा आश्चर्य ये होता है कि इसके आड़ में जिस प्रकार शहरों में, ग्रामीण क्षेत्र में, कल मुझे पता चला कि बिलासपुर में, बिलासपुर के बाद ये बलौदा बाजार में, इन क्षेत्रों में, रायपुर के आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से धान को पकड़ने का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री